आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें एक फूड चेन गिवन है जिसमें ग्रास को माइस ईट कर रहा है, माइस को स्नेक ईट कर रहा है और स्नेक को पिकॉक ईट कर रहा है। तो हमें बोला है दैट इस फूड चेन में 100 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल है एट प्रोड्यूसर लेवल, राइट। तो हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी जो कि ट्रांसफ़र होगी पिकॉक को एज फूड, और हमें लॉ बताना है जो कि यूज़ करेंगे हम कैलकुलेशन के लिए। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो लॉ यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए वो है हमारा 10% लॉ, राइट। उस लॉ को हम बोलते हैं 10% लॉ, राइट। वहीं अगर हम फर्दर बात करें तो ये लॉ क्या बोलता है, दैट हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे, राइट, हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही अवेलेबल होगी, राइट, फ्रॉम द प्रीवियस लेवल, राइट। हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी अवेलेबल होगी फ्रॉम प्रीवियस लेवल, राइट, प्रीवियस लेवल से। वहीं अगर हम यहाँ पे इस फूड चेन को कंसिडर करें तो देखो जो ग्रास है दैट इज़ प्रोड्यूसर, राइट, उसके पास कितनी 100 जूल एनर्जी है, राइट। अब इसका अगर हम 10% निकालें 100 जूल का, अगर हम 100 जूल का 10% निकाल दें बेसिकली, तो 100 जूल का 10% कितना हो जाएगा, इट विल बी 10 जूल, राइट। और ग्रास को खा कौन रहा है, माइस, तो अल्टीमेटली माइस में 10 जूल ऑफ एनर्जी आ जाएगी। अब फर्दर अब अगर माइस के पास 10 जूल एनर्जी अवेलेबल है, हम इसका 10% निकालें, तो बेसिकली अब माइस को कौन खा रहा है, स्नेक। तो अगर हम 10 जूल का 10% निकालेंगे तो ये 1 जूल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली स्नेक में कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी, 1 जूल। अब स्नेक को कौन खा ईट कर रहा है, पीकॉक, राइट। अब अगर हम 1 जूल ऑफ एनर्जी का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0.1 जूल। तो अल्टीमेटली पीकॉक के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी, पीकॉक के पास अवेलेबल होगा 1 जूल ऑफ एनर्जी, राइट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल का 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।